पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सुबह शाम जोरदार ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट से लोगों को ठठुर देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर इस बार भी बीते वर्ष की तरह विंटर सीजन में बारिश बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे शुष्क ठंड पड़ रही है। वहीं सड़क पर कोहरे के जमने से फिसलन की वजह से सुबह के समय लक्कड़ बाजार से संजौली की तरफ वाहन रेंगने को मजबूर हैं। क्या कहना है लोगों का, सुने विस्तार से। जो ठंड का इस टाइम मौसम प्रचंड रूप में है और ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कोहरा हर रोज कोहरा भी बढ़ रहा है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है। ग्राहक कम है, बाजार सूने सूने हैं। आजकल ऐसा लग रहा है कि शिमला में लोग ही नहीं हैं। आग का सहारा तो लक्कड़ बाजार में बहुत ज़रूरी है, बिना आग के यहाँ पर 10 मिनट नहीं रुक सकते। बर्फबारी हुई ही नहीं है, यहाँ अपर एरियाज में हुई है, यहाँ तो कोई भी बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। आग का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है जी। ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इस बार तो ना तो बर्फबारी हुई ना तो यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है। सूखी सर्दी की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे। काम करने में भी दिक्कत आ रही है, काम करने में बिल्कुल दिक्कत आ रही है। पर ये समझ लो कि दस्ताने डाल के भी ठंड लगता है। अच्छा, बस बारिश बर्फबारी नहीं आ रही, थोड़ा हो जाता है तो उससे थोड़ी राहत मिल जाती है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी तो बस क्या खतरा बना रहता है, बीमार हो गए, जुकाम हो गया, खांसी हो गया है। और सड़कों पर पाला ज़्यादा गिर रहा है, और थोड़ा हम होटल ढाबा चला रहे हैं, काम को प्रोडक्ट कम भी है, काम कुम ज़्यादा इसमें चल नहीं रहा। और क्या करें सर, इतने ठंडे बहुत है,